अगर आप भी बनना चाहते हैं एक टीचर तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2020 में डीएलएड का कब फॉर्म निकल के आ रहा है, पूरी जानकारी दूंगा आपको, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, क्या कितनी फ़ीस लगेगी और आपको कितना परसेंट चाहिए इंटर में और कितना परसेंट आपको ग्रेजुएशन में लगता है, कौन कौन सी आपकी डिग्री लगती है इसमें, इस फॉर्म को भरने में, डीएलएड के फॉर्म को भरने में, और भरने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है आपको टीचर बनने के लिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आप इस बार 2020 का डीएलएड फॉर्म कब निकल कर आ रहा है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएलएड होता क्या। डीएलएड पहले हम इसे बीटीसी के नाम से जानते थे, ये एक शिक्षक बनने की डिग्री होती है जिसको हम लेकर शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको भरने के लिए आपको कितनी पढ़ाई की आवश्यकता होती है, कितना आपको एलिजिबिलिटी मांगता है, कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है इस फॉर्म को भरने से पहले। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% से अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए, मतलब 50% से अधिक स्नातक के ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। OBC SC ST के लिए इसमें 5% की छूट भी दी जाती है, ठीक है, 5% की उसमें रिजर्वेशन दी जाती है। और इसकी आयु सीमा 18 साल से 35 वर्ष के बीच में। और अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2020 में कब आ रहा है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2020 में जून के 4th week में आएगा और उसकी लास्ट डेट जो है वो जुलाई के 2nd week में रहेगी, 2020 जुलाई के 2nd week में रहेगी। और एप्लीकेशन फ़ीस जो पे करना स्टार्ट होगा वो जून के 4th week में ही स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फ़ीस का आप पे कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट पे करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 2nd week ऑफ जुलाई, जुलाई के 2nd week में रहेगी। और काउंसलिंग की डेट तभी आती है, उसके बाद काउंसलिंग कराना होता है, तो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है डीएलएड से रिलेटेड, तो आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो उम्मीदवार ये UP BTC में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं उनके लिए 10,450 सीटें रहती हैं, और प्राइवेट कॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 40,000 सीटें रहते हैं। और देखिए सरकारी कॉलेज में आपको पहले 4,100 से 8,000 रुपये लगता था, लेकिन अब 10,200 रुपये लग रहा है, और प्राइवेट कॉलेज में आपको 41,000 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आपका ये फॉर्म आएगा हम आपको फॉर्म भरने से लगाए काउंसलिंग तक की सारी डिटेल वीडियो बनाएंगा इसी भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप।